कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। आपको पता है वर्षों से ये कोई एक दिन में इतना बड़ा कामकाज नहीं जमता है। भाजपा के समय से ऐसे लोग फल रहे थे, फूल रहे थे। कई बार उनको भी ये शिकायत उनके पास भी आई, पर किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ये वर्तमान की सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इनको खुले घूमने का अधिकार नहीं है। इनकी जगह जमाखोरों की सलाखों में है। FIR करो, जिला बदर करो और रासुका में भी इन पे कार्रवाई करो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई चाहे हमारा मध्य प्रदेश का शासन या प्रशासन, दोनों प्रत्येक कलेक्टर निर्भीक होकर, लीडर होकर वो कार्रवाई करें। कोई भी हस्तक्षेप हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको पूरी छूट है। जमाखोरों का स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है। मेरा और आपका मध्य प्रदेश हो, ये संकल्प हमारी सरकार का है। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक रूप से विस्तार पूर्वक हर स्तर पर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। पिछली भाजपा की सरकार ने 2012 में जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को पूरे प्रदेश में जिन्होंने विरोध किया था, इन्होंने विरोध किया था, आज वही कानून प्रदेश को मिलावट से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कोई भी समझौता हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगला बड़ा कदम, क्योंकि दूध, पनीर और घी के बाद हम और आप जो फलों का भी उपयोग करते हैं, जब हम एक लौकी को सुबह रात को देखते हैं तो सुबह इतनी बड़ी हो जाती है। इसके लिए भी हम अगला कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि जो केमिकल के पकने वाले फलों के खिलाफ भी एक मुहिम हम छेड़ने वाले हैं। पिछली भाजपा की सरकार ने, पिछली भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था कि आज जन्म कारावास का प्रावधान करेंगे, मगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करा पाए।